देशम भगवती को लखादेश रांची वाले भैरव बाबा को लखादेश आप सभी को आदेश आदेश एक विषय को मैंने आप लोगों के सामने कई बार रखा है और वो ये है कि कालांतर में जो हमारा सनातन ज्ञान था जो तंत्र का जो प्रयोग था वो विलुप्त तो होता चला गया साथ में भाषाओं को आसान करने के लिए उसका एक प्रदूषण पैदा किया गया प्रदूषण इसलिए कह रहा हूँ कि जो पहले की भाषाएं थीं वो शुद्ध थी अब जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं वो अशुद्ध हो गई हैं साथ में जो लिपियाँ हैं वो बदल गई हैं इस चक्कर में ये हुआ है कि कई जो गूढ़ रहस्यों के किताब हैं वो कुछ एक ज्ञानी लोगों के बीच में ही रह गए हैं जिनको वो पुराना लिपि समझ में आता है जिनको वो पुरानी भाषा समझ में आती है और हमारे आपके जैसे लोग उस साधना को करने की कोशिश भी नहीं करते हैं जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया है जो गढ़ुड़ यंत्र का ज्ञान था मुझे वो एक तमिल तांत्रिक के किताब से मिला था और वो एक म्यूजियम में रखा हुआ था किसी रिसर्च के छात्र ने उसकी फ़ोटो खींच करके फिर उसको ट्रांसलेट करके हमें समझाया था मतलब मेरे अलावा और भी दो तीन साधक थे वो भी खुद साधक थे इसीलिए उन्होंने उनको उन्हों इंटरेस्ट आया उन्होंने उस किताब को देखा उसकी फ़ोटो ली और हम लोगों को बताया कि ऐसी ऐसी विद्याएँ भी होती हैं उसी क्रम में उसी कालखंड में एक और सोर्स से एक विद्या का और हम लोगों को ज्ञान है जो अभी बहुत निरंतर चला आ रहा है इसका नाम मैंने लिखा अज्ञात शक्ति साधना क्योंकि शक्ति का वर्णन जो इस मंत्र में है इसके मंत्र में है उससे बहुत क्लियर ये नहीं है कि ये किस शक्ति की साधना है क्योंकि ये तीन भाग में मंत्र है पहला भाग आवाहन दूसरा भाग प्रार्थना और तीसरा भाग आदेश करना ठीक है जो विद्वान है तंत्र के उनका कहना है कि ये जोगिनी की साधना है और मतांतर यह है कि ये जोगिनी या फिर यक्षिनी की साधना है मूलभूत रूप से इस साधना को करने से जिन्होंने किया उनका भी कहना है कि एक तो आपका जो मोहिनी शक्ति है वो बढ़ता है मतलब आपका और प्रबल होता है ठीक है दूसरा अगर आप पर किसी विद्या का प्रयोग किया गया हो तो वो कम हो जाता है ऐसे इस एक मंत्र में जो पूरा सटकर्म है उसका पूरा उपाय बताया गया है तो सबसे पहले सामग्री क्या क्या लगेगी इस साधना को आठ दिन तक करना है ठीक है और जिनको ज्यादा करना है जिनको इस मंत्र को पूरा पुख्ता करना है वो चौसठ दिन तक इसकी साधना कर सकते हैं एम्बर की माला सत्ताईस मनकों वाला अगर लाल मिल जाए तो सर्वोत्तम वस्त्र पूरी साधना में लाल रंग का रहेगा साथ में आसन भी आपका लाल रहेगा अगर खुले आकाश के नीचे साधना को कर सकते हैं तो अति उत्तम दिशा उत्तर का रहेगा ठीक है इसके अलावा जो पूजन के सामग्री चाहिए उसमें सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है आठ शंख दक्षिणावर्ती शंख नहीं चाहिए जो बिल्कुल गोल शंख आता है नॉर्मल सा वो शंख आपको चाहिए किसी रंग में शंख मत लीजिएगा ना रुद्र शंख आपको चलेगा ना चितकबरा शंख चलेगा एक बिल्कुल सफ़ेद शंख आठ वो छोटा से बड़ा जैसा भी आप चाहें क्योंकि ये जो शंख है ये बाद में आपके यंत्र के रूप में स्थापित हो जाता है तो ऐसा आपको आठ शंख चाहिए ठीक है इस शंख को रखने के लिए चाहे तो एक पीतल का बर्तन लेकिन ऐसा बर्तन जिसमें आठों शंख एक के बगल में एक आ जाए या एक कपड़ा या एक चौकी बनवा ले लकड़ी की उस पर आप इसको कपड़ा लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर इस आठ शंख को एक के सामने एक रख सकते एक के बगल में एक रखेंगे ठीक इस आसन के सामने आठ घी के दीपक जलेंगे ठीक है और ठीक इस आसन के पीछे मतलब सबसे शुरुआत में आठ नारियल आठ चुनरी में लपेट के आप रखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा पूजा का व्यवस्था दीप जलाएंगे धूप जलाएंगे नवेद आठों शंख के सामने अलग अलग रखेंगे ठीक है धूप आठों शंख के सामने अलग अलग रखेंगे और रोज पूजा करने के बाद आप लोगों को इस पूरी व्यवस्था को एक कपड़े से एक लाल कपड़े से ढक देना है मतलब साधना हो गई तो दीपक बुझ गया तो इसको ढक देना है इसको करने का अच्छा काल कौन 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 सा है जो रात्रि पूजन कर सकते हैं 12 से तीन करेंगे और जो दिन का पूजन करते हैं वो दिन में बारह से तीन करेंगे उससे पहले नहीं कर सकते बारह से तीन के काल में इस साधना को आपको करनी है जब आप साधना करें तो कोशिश ये करें कि वहां कोई ना आए और इसको आपको ढक देना है पूजा करके इसको हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि दीपक बुझा उसको ढक ढक दिया फिर वहां से आप उठेंगे एक दिन में आठ माला करना है आठ माला का तात्पर्य है जब हम आठ माला बोलते हैं तो सत्ताईस की गिनती से हम माला नहीं गिनते हैं हम एक सौ आठ की गिनती से माला गिनते हैं ठीक है तो एक सौ आठ इंटू आठ इतना आपको इतने संख्या में आपको जाप करना है और जो अंतिम दिन का जाप होगा ठीक है चाहे वो आठ दिन की साधना आप करें या चौसठ दिन की साधना आप करें जो अंतिम दिन की साधना होगी उस, उस दिन मधु घी साथ में नारियल बारीक पीसा हुआ उसको मिला करके आप जो है हवन संविधा बनाएंगे और उसमें हवन करेंगे आम की लकड़ी पे नौ लकड़ी के साथ मंत्र क्या है मंत्र इसका मैं तीन बार बताऊंगा आप इसको लिख लेंगे ओम हंत्रे 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 नभ नभ वन विचारे लाभे, शोभ्ये मोहये रक्षे हुम हुम फट स्वाहा। क्या मंत्र है ओम हंत्रे 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 नब नब वन विचारे लाभ्ये शोभ्ये मोहये रक्षे हुम हुम भट स्वाहा ठीक है एक अंतिम बार मैं बोल रहा हूं ओम हंत्रे 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 मतलब हन, हनन करने वाला दुष्टों का हनन करने वाला हो या पाप का हनन करने वाला हो तो उसका तीन बार जाप नभ नब नब वन विचारे मतलब जो वन विचार करने वाली है लाभ्य मतलब मुझे लाभ दो शोभ्ये मुझ पर मान करो मुझे शुभमान करो मोहिए मतलब मुझे मोहिनी की शक्ति दो रक्षे मेरी रक्षा करो हुम हुम फट स्वाहा ठीक है इस मंत्र को करने से एक कलयुग में बहुत कम मंत्र ऐसे होते हैं जो बहुत प्रभावी होते हैं उनमें से एक ये मंत्र है इसको अज्ञात शक्ति मंत्र मैंने बोला है लेकिन गुरु परिवारों में ये जो मंत्र है ये जोगिनी साधना के नाम से और कुछ एक में यक्षिणी साधना के नाम पे चलता है जैसे यक्षिणी का हम बत्तीस चौंतीस प्रकार बोलते हैं बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे बत्तीस से ज़्यादा माना जाता है उनको इसी तरीके से हम चौंसठ योगिनी बोलते हैं बहुत लोग मानते हैं कि नाइन्टी फोर योगिनी होती है तो अलग अलग गुरु परिवार अलग अलग उसका विधान तो आप इनको अज्ञात शक्ति मान के भगवती मान करके पूजा करेंगे और इसका लाभ लेंगे आज के लिए इतना ही जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव से जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को जो नया एक साधक होता है उसको जो जो विद्याएं सीखनी चाहिए बड़ी सिद्धियां करने से पहले वो हम आपको सिखाते हैं डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा या डब्ल्यू 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 डॉट अघोर तंत्र डॉट कॉम पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं आज के लिए इतना ही माता जोगिनी आप सभी की रक्षा करें ऐसे मेरी उनसे प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश, आदेश आला, खादेश